अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं आप लोगों के साथ ना वेजिटेबल चिकन सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ दो ही वेजिटेबल्स बनाई, क्योंकि आमना हमना को सूप बहुत पसंद है और उन दोनों ने बस फरमाइश कर दी थी, तो मेरे पास जो अभी अवेलेबल थी ना सब्ज़ियाँ सारी उसी से मैंने बना लिया। तो अगर आप लोगों के साथ मैं रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों ने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है वो रिसीव हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो है ना मैं चिकन वेजिटेबल सूप की रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ, और छोटा सा बस मैं आज की वीडियो में ना एक रेसिपी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी, ठीक है। अच्छा, पैन के अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करा है, और सबसे पहले जो है ना हम गाजर को ऐड करके हल्का सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि गाजर थोड़े से सख्त होते हैं, गलने में टाइम लेते हैं। जब गाजर अपना कलर चेंज कर लेंगे ना, तो फिर इसमें हम बंद गोभी जो है श्रेडेड की हुई वो ऐड करेंगे, और बंद गोभी को आपने ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसके साथ किसी आपने भुनाई कर लेनी है, ताकि इसमें से स्मेल ना आए। बस ये दोनों सब्जियों को आपने जलाना नहीं है, और ये जब कलर इसका चेंज हो जाएगा ना, तो फिर आप लोगों ने इसको प्लेट में निकाल के अलग कर लेना है। और साथ साथ इसमें जो है ना मैं दोबारा से 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ, और क्यूब्स में कटी हुई ना चिकन ऐड कर रही हूँ। अच्छा, चिकन को भी ऐड करने के बाद जो है ना इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और चिकन की स्मेल ख़त्म ना हो जाए। साथ साथ इसमें जो है मैं लहसुन पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून बस, और लहसुन पाउडर ही ऐड कीजिएगा, पेस्ट मत ऐड कीजिएगा। लहसुन पाउडर से जो है ना इस टेस्ट बहुत अच्छा आता है। काली मिर्च ऐड करिए 1/2 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत जाएगा, और इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। और अच्छा, इन सबको मिक्स करने के बाद इसमें मैं एक जग पानी ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपने सूप बनाना है। अच्छा, इसको ना हम ढक के रख देंगे, ताकि हमारी चिकन जो है ना वो गल जाए अच्छे से। और साइड पे मैं जो है कॉर्नफ्लोर प्रिपेयर कर रही हूँ, बस 2 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ, बाकी मुझे अगर लगेगा ना कि ज़्यादा मुझे चाहिए, तो फिर मैं दोबारा से इसको डिज़ोल्व करके पानी में फिर मैं डाल दूँगी। अच्छा, मैंने सॉसेस वगैरह कोई सूप में ऐड नहीं कर रहे, सब चीज़ें मैं एंड में डालूँगी। बहुत ही सिंपल और ईजी सी ये रेसिपी, आप लोग ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अंडा लिया है 1 अदद, वो भी मैं पूरा ही फेंटूंगी। अक्सर लोग सिर्फ वाइट इसका पार्ट निकाल लेते हैं और इसकी जो जर्दी होती है वो अलग कर देते हैं, लेकिन मैं पूरा अंडा ही ऐड करती हूँ सूप के अंदर। अब जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा ना, तो इसको हमने जो है कॉर्नफ्लोर डाल के थोड़ा सा गाढ़ा करना है। मेरे पास तो सिर्फ 2 सब्जियाँ रखी हुई थी, अगर आप लोग के पास ब्रोकली है और जो है शिमला मिर्च है ना, तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ये बहुत मज़े का बनता है। अगर आप लोगों के पास कॉर्न्स भी अवेलेबल हैं, तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं, मैंने कॉर्न्स नहीं डाले थे इसके अंदर। अच्छा, जब आपका सूप गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा ना, तब आपने इस पॉइंट पे अंडा ऐड करना है, और अंडे को भी डाल के ना आपने हिलाते रहना है, सही। जब आपका सूप बन जाएगा, बिल्कुल एंड में आपने सब्जियाँ ऐड करनी है, अगर पहले आप लोग डाल देते ना, सब्जियाँ बिल्कुल गल जाती। अच्छा, सूप जो है ना वो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया डिश आउट करने के लिए। आमना हमना को तो बहुत पसंद है ये वाला, आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखें, अपने बच्चों को पिला के, इनफैक्ट बड़े भी पी सकते हैं, डाइटिंग पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर आप लोग चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो खैर, वीडियो अगर अच्छी आपको लगी है आज की, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, मैंने जो है ना वो सूप बनने के दौरान कोई भी सॉस ऐड नहीं किया, क्योंकि इसमें सब्जियों का ही फ्लेवर इतना मज़े का आ रहा होता है। आप लोग जो है बिल्कुल एंड में सॉसेस ऐड करेगा, अगर चाहें तो विनेगर बीच में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो भी ऐड नहीं किया था। तो मैं जो है ना रेड चिली सॉस और विनेगर और सोया सॉस तीनों एंड में ऐड कर रही हूँ। आमना हमना क्योंकि फिर तेज़ हो जाता है, वो नहीं पीती हैं, तो इन दोनों को यही वाला सूप पसंद है, तो मैं ज़्यादातर यही वाला बनाती हूँ। तो खैर, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।